जोहार एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो है पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, पेज फॉर्मेटिंग के अंडर में हम जितने भी चीज़ें करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेज साइज चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, देन वी सेट मार्जिन्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली नंबर्स कैसे ऐड करते हैं पेज में। ठीक है, और नंबर को चेंज कैसे करते हैं, और अगर आपको किसी नया ब्लैंक पेज ऐड करना हो अपने जो आपका जो करेंट डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कोई नया पेज ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद कवरिंग द पेज बैकग्राउंड एंड इंक्लूडिंग द वाटर मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जैसे कि एक पेज है, ठीक है, आपको ये पेज दिख रहा होगा ना, जिस पर लिखा हुआ पेज मार्क, पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, हम सारी चीज़ें जो है इसी पर अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो मेन्यू ओपन कर देते हैं। ठीक है, आपको जाना है लेआउट टैब में। ठीक है, ये पेज सेटअप ग्रुप है, ये पैराग्राफ है, ये अरेंज करने का ग्रुप है। ठीक है, लेआउट में कितने ग्रुप होते हैं, तीन ग्रुप होते हैं, एक पेज सेटअप का, एक पैराग्राफ का, एक अरेंज का। ठीक है, तो हम इस ग्रुप से मतलब है आज के दिन हम करने वाले हैं ये ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप है पेज सेटअप। ठीक है, वी वर्क ऑन दिस ग्रुप टुडे ओनली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरो आपको दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। ये क्या है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और जैसे इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पेज है हमारा, ठीक है, इस पर पहले मार्जिन सेट करेंगे। ओके, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट से एक एक इंच छूटा हुआ है। ठीक है, टॉप से भी एक इंच, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे रहने दो। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो एक काम करते हैं, जो मार्जिन जो छूटा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक काम करते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें बॉर्डर ऐड कर दो, बॉर्डर। ठीक है, तो उससे आपको दिख जाएगा मार्जिन कितना, मतलब छोटा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जितना भी। ठीक है, तो बॉर्डर पे जाओ, ठीक है, बॉक्स में क्लिक करो। ओके, ये लाइन चेक करी आपने, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर चूज कर लेते हैं। ओके कर दो, तो ये आपको बॉर्डर दिख गया ना, तो जो मार्जिन जो छूटा हुआ है टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो गैप होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, इस समय जो हमारा जो पेज है वो क्या है, पोर्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, परपेंडिकुलर आप कह सकते हो, तो पोर्ट्रेट। ठीक है, आप उसको लैंडस्केप करना चाहो तो उसको सेट करो, ओके करो, ये आपका ये लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है, वापस आपको आना है, वो क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ भी जा सकते हो, साइज, सॉरी साइज कर, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्जिन। मार्जिन सेट कर दिया हमने, पेज साइज, साइज हम भूल गए थे, उससे पहले क्या साइज, साइज क्या है, साइज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, लेटर, टैबलॉयड, लीगल। ठीक है, हम चूज कर, बाय डिफॉल्ट क्या है, A4 है, आप A5 चाहो तो A5 चूज कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा A5। ठीक है, A5 पेज का साइज ऐसा है। ठीक है, बैक टू A4, A4 ऐसा है ना। ऑटोमेटिक नंबरिंग पेजेस, ठीक है, आप पेजेस में क्या है नंबर ऐड करना, तो नंबर ऐड करके क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जाना है कहाँ पे, इंसर्ट टैब में, ज़्यादा पेज नंबर, पेज नंबर पर वो क्लिक करना है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है, टॉप ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजिशन। ठीक है, आपको पेज नंबर जहाँ पर चाहिए, जब आप टॉप पर करोगे तो आपको टॉप पर ऐसे नंबर दिख जाएंगे, ऑप्शन दिख जाएंगे, बॉटम पर तो बॉटम पर। ठीक है, आपको अपने पेज में जहाँ भी आपको नंबर चाहिए आप वहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सेट करूँगा बॉटम पे, और ये लास्ट वाला है एक्सेंट बार 1। ओके, तो ऐसे आ जाएगा पेज नंबर। ठीक है, आपको यहाँ फुटर दिखेगा और हेडर दिखेगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें हम हेडर फुटर के बारे में बात नहीं करेंगे, अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं, आपका पेज यहाँ पर आ गया। ठीक है, पेज 1, पेज 2, ठीक है, पेज 3, ये सारे पेज मैंने पहले से ही ऐड कर रखे हैं। ओके, तो ऐसा आपका नंबरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, चेंजिंग पेज नंबर्स, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेज नंबर्स। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मेट बदल सकते हो, ABCD करना चाहो, रोमन करना चाहो, जो चाहे वो चूज करो। जब रोमन आप सेलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, तो आपको रोमन में दिखेगा 1, ऐसे दिख रहा है ना, सेकेंड।
लाइक सो। रिमूव पेज नंबर सीखा ना, रिमूव पे क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। ओके हमें पेज नंबर पे वापस सेट कर देते हैं 1 2। राइट नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू पेज। ठीक है, अगर आपको नया पेज ऐड करना हो तो आप क्या करो, सपोज ये फर्स्ट पेज आपको दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपको सेकंड पेज दिखा रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं मुझे एक नया पेज ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, जैसे आप करोगे एक पेज ऐड हो जाएगा बीच में, ठीक है, और आपकी जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, टोटल पहले पेज थे 4, अब हो गए 5। ठीक है, नंबरिंग जो है अपने आप जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप कैसे ऐड कर सकते हो, इंसर्ट में ये देखा ना ब्लैंक पेज, आप ब्लैंक पेज ऐड कर लो। ठीक है, ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। ओके नाउ कलरिंग द बैकग्राउंड। ठीक है, आप जो बैकग्राउंड है अगर आप उसको कलर करना चाहते हो तो कहाँ जाना है, डिज़ाइन में जाना है, ठीक है, पेज कलर में जाना है, पेज कलर, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। आपको इसमें से पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करो मोर कलर्स में, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो, कस्टम पे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। ओके यहाँ पे आओ, फिर इफेक्ट्स में जाओगे, यहाँ से आप अपने जो कलर जो आप चूज़ करोगे उसको आप ग्रेडियंट कर सकते हो। ग्रेडियंट मतलब एक कलर चूज़ कर लेते हैं, जैसे सपोज़ मैंने ये कलर चूज़ कर दिया ब्लू। ओके नाउ फिर इफेक्ट्स में जाओगे तो जो यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से आप इसको डार्क और क्या कहते हैं 1 कलर पे क्लिक करो। ठीक है, लाइट पे क्लिक करो, जब करते जाओगे ना तो लाइट होता जाएगा, लाइट होता जा रहा है ना, ग्रेडियंट यहाँ से चेंज होता जाएगा। ओके कर दोगे ये हल्का सा ऐसा लाइट हो जाएगा, जो कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ये सारे पेज में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वाटरमार्क। वाटरमार्क को बगल में दिख जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आओ। ठीक है, ये सारे वाटरमार्क से इनमें चूज आप कर सकते हो, या इसके अलावा आप अपना खुद से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आओ कस्टम वाटरमार्क में, ठीक है, टेक्स्ट वाटरमार्क में, यहाँ पे टेक्स्ट आप चेंज कर दो, यहाँ लिखो पेज FORMATTING, पेज फॉर्मेटिंग। ओके साइज ऑल्टर रहने दो, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। ओके एक कलर को थोड़ा सा डार्क कलर कर लो ताकि दिखे, ये जो मेरा जो बैकग्राउंड जो कलर दिख रहा है ना, जो पेज का कलर है, जो वाटरमार्क कलर उसमें दिखना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, तो मैं ब्लैक दे देता हूँ। ओके तो आपको दिख गया ना पेज फॉर्मेटिंग डायगनल। ठीक है, डायगनल कहाँ से हुआ, यहाँ से जो लिखा हुआ है लेआउट डायगनल, आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये सीधा हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये देखा पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, आपको कलर को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, रेड कहाँ था, क्या ब्लैक किया था तो ब्लैक नहीं हो रहा है। पेज फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है ना, फ्रेंड इट्स ऑल अबाउट द पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, अपकमिंग वीडियोज में हम पेज फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा कुछ और बात करेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो छूट गया, वो है गटर। ठीक है, आपको गटर सुनने का मिलता है, एक वर्ड होता है जिसमें वो होता है गटर। ठीक है, गटर कहाँ से मिलता है आपको, ठीक है, वो वाला गटर नहीं है जो आप जनरल सुनते हो, ये पेज गटर की बात हो रही है। आपको कहाँ आना है, पेज मार्जिन में आना है, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक गटर का ऑप्शन। ठीक है, गटर का ऑप्शन हम बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, जैसे कि सपोज आपका ये पेज है, ठीक है, और इस पेज को आपको क्या कहते हैं, तो एक से ज़्यादा पेज है, आपका कोई असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट का आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है, ठीक है, तो आप उसको बाइंडिंग कराओगे, है ना, बाइंडिंग कराने के लिए, तो बाइंडिंग कराने में क्या होता है, आपको लेफ्ट साइड में या जिस तरफ से बाइंडिंग कराना चाहते हो आप उसको थोड़ा सा आपको साइड छोड़ना पड़ेगा लेफ्ट से। ठीक है, मेरी जो लेफ्ट से कराते हो तो लेफ्ट से आपको साइड छोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो पोजीशन जो है वो लेफ्ट है तो लेफ्ट रहने देते हैं, आपको यहाँ से पोजीशन बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पे देखना, प्रीव्यू प्रीव्यू पे, प्रीव्यू पे ध्यान देना है आपको। आप जितना चाहे उतना गटर जो है छोड़ सकते हो उस पर। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप गटर जो है इंक्रीज़ करोगे ना तो उसका जो है मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप डिक्रीज़ करो या इंक्रीज़ करो, जो मार्जिन जो है वो चेंज नहीं होगा। और राइट, ओके कर दिया तो पेज आपका हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, पेज क्या आपका शिफ्ट हो गया। ओके तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।